हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज अवर डेली शो, फाइव वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ये डे 33। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है आपका एंड्रॉयड। ये सभी के हाथ में होगा मुझे पता है, मैक्सिमम लोगों के तो हाथ में होगा ही एंड्रॉयड, लेकिन किसी को एंड्रॉयड का मतलब नहीं पता होगा। यह एक नाउन वर्ड है, कुछ लोगों को पता होगा शायद, ठीक है। अब एंड्रॉयड का मतलब होता है मानव सदृश, मतलब मानव के जैसा कोई यंत्र, मतलब मशीन। बेसिकली रोबोट के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड, ठीक है। और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसे गूगल ने डेवलप किया है, आपको पता ही है, जो कि मोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस यूजेस देखते हैं। स्पेस स्टेशन इनहैबिटेड ओनली बाय एंड्रॉयड्स। इसका मतलब सिंपल ये है कि एक स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष में कोई स्टेशन है, उसमें इनहैबिटेड मतलब निवास करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड्स ही निवास करते हैं, मतलब केवल एंड्रॉयड ही द्वारा निवास किया जाता है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है एनिकडोट, ठीक है। एनिकडोट का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी। यह एक नाउन वर्ड है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। टोल्ड एनिकडोट अबाउट हिज जॉब, ठीक है, मतलब एक छोटी सी कहानी अपनी जॉब के बारे में सुनाई। अगर मैं यहाँ ही लगा देता तो उसने एक छोटी सी कहानी अपने जॉब के बारे में सुनाई, ठीक है, या बताई, ये भी कह सकते हो बताई, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है स्टोरी, दूसरा है टेल, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अब स्टोरी बड़ी होती है, सेम और मिलता जुलता कह सकते हो आप, ठीक है। स्टोरी लंबी भी हो सकती है, पर एनेक्डोट है वो एक छोटी सी कहानी होती है केवल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है एनाइलेट, ठीक है। थर्ड वर्ड क्या है आपका? एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब होता है संहार करना। यह एक वर्ब है, संहार करना मतलब नष्ट करना, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। अ सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कूल्ड एनाइलेट देम ऑल। इसका मतलब एक साधारण बॉम्ब इस प्रकार का कुल्ड मतलब कर सकता है, एनाइलेट देम ऑल मतलब उन सभी का संहार कर सकता है, इस प्रकार का एक छोटा सा बॉम्ब उन सभी का संहार कर सकता है। संहार मतलब नष्ट कर सकता है, मार सकता है उन सभी को, ठीक है। बॉम्ब से क्या होता है? विध्वंसित होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला डिस्ट्रॉय, दूसरा है वाइप आउट, दोनों के मिलते जुलते और सेम मीनिंग होते हैं। फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है अनोनिमस, ठीक है। अनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, अनाम या गुमनाम, ठीक है, या जो अपना नाम छुपाना चाहता हो, आप ऐसा भी कह सकते हो। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। द डोनर्स विश टू रिमेन एनोनिमस, मतलब जो दान देने वाला डोनर था अब वो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, तो उसकी इच्छा थी कि वो गुमनाम ही रहे या अनाम ही रहे, लोगों को पता ना चले कि उसने दान दिया है, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी अच्छाई छुपाने की, तो बस वही बात थी। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है नेमलेस, सेकेंड है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मोड आपने ब्राउजर में भी देखा होगा, ठीक है। इन दोनों के मिलते जुलते और सेम मीनिंग होते हैं। फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है एनॉय, ठीक है। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना या तंग करना या किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। क्लोज द डोर इफ द नॉइस इज अनोइंग यू, मतलब दरवाज़ा बंद कर दो अगर नॉइज़ तुम्हें परेशान कर रही हो या तंग कर रही हो, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। पहला इरिटेट, दूसरा है मेक एंग्री, ठीक है, दोनों के मिलते जुलते सेम मीनिंग होते हैं। तो फटाफट से देखते हैं आज के कौन कौन से वर्ड थे। पहला वर्ड था एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का मतलब मानव सदृश यंत्र, ठीक है, यह एक नाउन वर्ड है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो आप सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है उसमें होता है। सेकेंड वर्ड था एनिकडोट। एनिकडोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी, यह एक नाउन वर्ड है। थर्ड वर्ड था आपका एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब संहार करना, यह एक वर्ब वर्ड था।
फोर्थ वर्ड था आपका एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब अनाम, गुमनाम, यह जो अब व्यक्ति अपना नाम छुपाना चाहता हो, यह एक एडजेक्टिव वर्ड था। फिफ्थ वर्ड था आपका एनॉय, एनॉय का मतलब परेशान करना या तंग करना या किसी को गुस्सा दिलाने, गुस्सा दिला देना, यह एक वर्ब वर्ड था क्योंकि आप इसमें कार्य कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो ना, तो कार्य करना क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।